नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार में। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। आज हम इस वीडियो में देव उठनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशु पक्षियों को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा से आकर कहने लगा, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है, रख लूंगा, मगर एक शर्त है, आपको हर रोज खाने को अन्न मिलेगा, पर एकादशी के दिन आपको अन्न नहीं दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के आगे रोने लगा और कहा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, पर वह किसी भी हालात में अन्न छोड़ने को राजी नहीं था। तो राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए और वह रोज की तरह नदी पर जा पहुंचा। वहां स्नान करके भोजन तैयार किया। फिर उसने भगवान को पुकारा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान विष्णु जी उसके सामने आए और अपने भक्त के साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। थोड़े दिन बाद अगली एकादशी आई तो वह राजा से बोला, महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने जब इसका कारण पूछा तो नौकर ने बताया कि मेरे साथ मेरे भगवान भी भोजन करते हैं, हम दोनों के लिए ये सामान कम पड़ता है। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, जब तक मैं नहीं देख लेता मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतनी व्रत रखता हूँ, मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उसने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। जब वह नदी में छलांग लगाने लगा तो प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय देखकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हुए और उन्होंने उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। खा पीकर उसे अपने साथ अपने विमान में बैठाकर अपने साथ स्वर्ग लोक में ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक हमारा मन शुद्ध ना हो। फिर राजा ने भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति की और अंत में राजा को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये व्रत कथा? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और आपके अपने YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।